नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही YouTube चैनल पर स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेकर आया दोस्तों, पर ज्ञान और प्रॉफिट इनकम मोटिव हम बढ़ा रहे। तो चलिए आज की बातें करते हैं। आज हमने मार्केट में देखा क्या है, किस तरह से ट्रेड किए। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट और ज्ञान बनने का मोटिव बना रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और 2 दिन का जो वैलिड ऑफर है उसका लाभ उठाइए। दोस्तों अपस्टॉक्स की लिंक दी हुई है, आप जाके नीचे अपस्टॉक्स का अपस्टॉक्स में जाके अकाउंट ओपन कीजिए और अपना जो प्रॉफिट बनने का मोटिव है बनाए रखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा अपस्टॉक्स में बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि 0 डीमैट अकाउंट है तो वहाँ पे आपको ब्रोकरेज ज्यादा नहीं लगेगा, और सबसे बड़ी बात है आपका 30 दिन के लिए जो ब्रोकरेज लगता है वो नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों शेयर स्टॉक मार्केट मेड इजी नाम का उनका जो कोर्स है वर्थ 999 का, वो आपको टोटल फ्री मिल जाएगा। और स्टॉक एक्स का जो प्राइम सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप है वो आपको मिल जाएगी टोटल फ्री में, जो कि 3 महीने के लिए वैलिड रहेगी। तो दोस्तों समय को व्यतीत ना करिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अभी तक आपको मालूम नहीं है मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है या किस तरह से मार्केट को जज करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है मेरे चैनल की, तो जाइए वहाँ पे और अपना जो नॉलेज बढ़ाने का जो काम है वो आपको जो चाहिए हमेशा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और कैसे ट्रेड करके पैसे कमाने वो भी आपको पूरी तरह से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए चलते आज के बारे में बात करते हैं, किस तरह से आज का ट्रेडिंग सेशन रहा, किस तरह से हमारे जो यस बैंक है उसमें क्या रहा। और यस बैंक देखिए दोस्तों किस तरह से चर्चित और किस तरह से माहौलिक बैंक है, ये कोई भी कसर नहीं छोड़ता है यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। तो सबसे पहली बात आज का मार्केट सेशन की करेंगे। मार्केट सेशन में हमने देखा किस तरह से हाई वोलेटिलिटी रही और बहुत सारे लोग यहाँ पे यही सोच रहे थे आज एक्सपायरी है शायद मार्केट ऊपर चला जाएगा, मगर दोस्तों वैसे हुआ नहीं। अब मार्केट आ गया साइडवेज, जाके 100% नीचे एकदम नीचे चला गया। और दोस्तों लगभग जो लेवल था वो शायद नहीं कोई चाहता था, वो लेवल आज के इस डेट में आपको देखने मिला है दोस्तों। 21,580 का जो लेवल है देखना कोई नहीं चाहता था, मगर वो लेवल आपको देखने मिला है। थोड़ी सी निराशा जरूर होगी जो कॉल पे बैठे थे। देखिए कॉल और पुट ये तो दोनों तरफ का विषय रहा, पुट वाले सोचते हैं कि मार्केट और गिरेगा और कॉल वाले कहते हैं गैस मार्केट बाउंस हो सकता है, वो तो दोनों बाउंड होता है या फिर रेंज डाउन होता है ये उसके हिसाब से होता है। तो हम बात करेंगे अभी यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक ने हमें बहुत कुछ देखा है और आज का माहौल की बात करें तो माहौल आज का टोटली आज डाउन था मार्केट, मगर यस बैंक अपना कहीं पे भी डाल मटोल नहीं छोड़ रहा था, अपना जो डाउल था वो सीधा उसने बनाए रखा था, पॉजिटिव इंटेंट उसने आज रखा है मार्केट में और कहा है कि अभी मैं जिंदा हूँ, ये बात उसने अभी रखी है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप ये मार्केट यहाँ से गिरता है 12 रुपए के लेवल से गिरता है तो कौन सी लेवल आपको एक्यूमुलेट करना और वहां से मार्केट आपको रिबाउंस करते हुए दिख सकता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए वहां पे और देखिए किस तरह से मैंने उसको एनालिसिस किया हुआ है। तो दोस्तों अभी 12 रुपए का जो एफपीओ आया था, एफपीओ में आपको बताया था कि ये 12 रुपए से लेके अभी मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है, डेफिनेटली आने की भी चांसेस है, क्योंकि अभी हम ग्लोबल इश्यूज देखें तो ग्लोबल इश्यूज हमें क्या कह रहे हैं, ग्लोबल क्यों क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा थमना है, रुकना है, ये मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो आपको डेफिनेटली चांस मिलेगा। मगर दोस्तों यस बैंक इस तरह से ऐसा ट्रेड माहौल बना चुका है कि अभी यहाँ से उसका बाउंस लेने की जो क्षमता है वो आ गई है इसमें। अगर आज की बात करें तो देखा जाए तो टोटली मार्केट निफ्टी 50-100 पॉइंट डाउन था और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग वो 400+ डाउन था, मगर यहाँ पे यस बैंक अपना एक रुतबा बनाए हुआ था। 12 रुपए का शेयर था, आज 30 पैसे ऊपर ट्रेड कर रहा था जो कि एक अच्छी बात रही। और क्लोजिंग की बात करें तो 0.25 पैसा ऊपर लेवल पर जाके क्लोज हुआ और 11.95 रुपीज का उसका वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये तेजी क्यों आई थी, उन्होंने बहुत सारी कंपनी को उन्होंने लोन दिया हुआ है जो कि बहुत सारी कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी है लोन पे करने के लिए। कोई तो ऐसी कंपनी, कुछ ऐसी कंपनियां है जो कि कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, रिपे करने के लिए, तो उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया और उन्होंने अपना बैंककरप्सी भी घोषित कर दिया है। तो उसी में से ही अनिल अंबानी जो है उन्होंने का जो कंपनी था वो अपना पेमेंट नहीं चुका पाई जो कि डेट था उनका, तो कंपनी यहाँ पे सीधी सी बात करते कि अभी हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने कुछ दिनों पहले एक बात बोली थी कि यस बैंक का जो लोन है वो टोटल सिक्योर्ड लोन है, उनके बदौलत हमने उनसे जो पैसा लिया था उसके बदौलत हमने कुछ प्रॉपर्टी की गारंटीज की थी, तो उसके बदौलत यस बैंक को डरने वाली बात नहीं थी, ये उस समय उन्होंने कहा था। मगर ये बात अभी सच्ची साबित होती हुई यहाँ पे यस बैंक ने अपना जो पोजीशन है वो अनिल अंबानी के प्रॉपर्टी पे लेते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे जो बातें क्लियर हुई कि यहाँ से जो रिकवरी आनी थी अनिल अंबानी के बिजनेस से वो नहीं आई, उनका जो बिजनेस उनका बिजनेस
नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण वो पेमेंट नहीं दे पा रहे। टोटल यहाँ पे 12,000 करोड़ के उनके ऊपर लोन का एक ड्यू था, मगर वो पे नहीं कर पा रहे थे अनिल अंबानी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो येस बैंक है उसने वहाँ उनके जो हेड क्वार्टर है उस पे पोजीशन लेने की जो जरूरत थी या फिर प्रोसेस था या फिर परमिशन थी वो मिल गई उनको, और उसने परमिशन को एग्री करते हुए यहाँ पे जाके कब्जा कर लिया है। तो ये बात समझने की है कि अभी यहाँ से मार्केट अभी येस बैंक का थोड़ा ग्रो करते हुए दिख सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट के पास जब भी आप किसी शेयर के पास या कंपनी के पास पैसा आता है तो डेफिनेटली लिक्विडिटी आती है, तो वो अच्छे काम के लिए लगना शुरू हो जाते। डेफिनेटली उनके पास अभी ऑफिस आया है, रेंट पे देंगे या फिर उस प्रॉपर्टी को ऑप्शन में वो सेल कर देंगे, जिसके बाद उनके पास लिक्विडिटी आ सकती है। ये सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट है अभी येस बैंक के लिए, शायद येस बैंक इसका बेनिफिट उठाते हमें दिख सकती है। और दोस्तों आने वाले दिनों में आपको शेयर में जान फूकने का काम करने का है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले फूक सकते, यहाँ पे बहुत सारा येस बैंक का फैन फॉलोइंग है जो कि चाहता है कि येस बैंक फिर से जिंदा हो। मगर देखिए दोस्तों ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े ढेराशाही हो सकते हैं और छोटे से छोटे यहाँ पे लाराशाही हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी बात समझिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भेजना है कि आपको वीडियो किस तरह से पसंद आ रहे और आपको कौन से वीडियो चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इससे बेहतरीन वीडियो और अच्छी क्वालिटी के वीडियो चाहिए तो दोस्तों वो भी लिखना, क्योंकि मेरे ऑफिस का यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी तक आपको अच्छे से वीडियो नहीं दे पा रहा। तो आपको अच्छे वीडियो देने का काम मैं आने वाले दिनों में करूंगा। तो डेफिनेटली ये मुझे थोड़ी सी बात खंत सी लग रही है, मगर ये दूर हो जाएगा प्रॉब्लम और जल्दी से आपको अच्छे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।